हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता कीर्ति। आप सब कैसे हैं बताइए। आई होप कि आप सब मस्त हैं, क्योंकि पूजा आ चुका है तो मेरा तो शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मेरे हस्बैंड का बाकी है और मेरा बेटा का बाकी है, तो आज हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स जाएंगे। वहां से मेरे हस्बैंड का और बेटा का शॉपिंग होगा, क्योंकि बेटा का कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा तो अपना कलेक्शन है, फिर मैं शॉपिंग करती रहती हूँ करती रहती हूँ। बेटा का तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि कहीं से कर लूँ, कोई लाइव कर रहा है ये वो। और दो एक बार की भी हूँ बेटा का ऑनलाइन, मतलब जो लोग सेल करते हैं, बट क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, मतलब एकदम ही बेकार आता है। तो हम लोग वेट करके बैठे थे कि मतलब बेटा का शॉपिंग के लिए। तो आज हम लोग, आज सैटरडे है, तो मेरे हस्बैंड को मैं बता दूंगी कि तुम जल्दी से ये कर जाओ, ऑफिस क्लोज करके, ऑफिस क्लोज बोल रही हूँ, मतलब अपना ऑफिस का काम करके जल्दी से आ जाओ निकल के। तो हम लोग रिलायंस ट्रेंड्स जाएंगे, बेटा का शॉपिंग करेंगे। मेन बेटा का है, उसके बाद हस्बैंड का है, क्योंकि हस्बैंड बहुत टाइम लगाते एक एक पैंट पहन पहन के देखते हैं। तो बेटा का शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बेटा के इम्पोर्टेंट है, मैं चली जाऊंगी। तो बेटा का शॉपिंग करूंगी, क्या करूंगी, क्या खरीदूंगी, मुझे नहीं पता। क्या ऑफर चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं पता, क्योंकि बेटा का कोई ऑप्शन नहीं रहता है ऑनलाइन शॉपिंग करने का। और दो एक बार ऑनलाइन की भी हो जो लोग लाइव करते हैं, बट बहुत ही बेकार क्वालिटी, एकदम फुटपाथ वाला क्वालिटी। तो इसीलिए हम लोग रिलायंस से ही शॉपिंग करेंगे, जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड मतलब आ जाएंगे, फिर बोलेंगे तुम अभी तक रेडी नहीं हो। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज, अभी मैं तैयार हो गई हूँ, जा रही हूँ रिलायंस ट्रेंड्स, क्योंकि बेटा का शॉपिंग नहीं हुआ है, तो बेटा का शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। तो अभी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बेटा भी तैयार हो चुका है। ये देखिए, बेटा मेरा तैयार हो चुका है, ये दिखा है। तो मैं भी तैयार हूँ, बेटा भी तैयार है, बस मेरे हस्बैंड आएंगे और हम लोग जाएंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने एप्पल का आईफोन ऑर्डर कर दिया 13। तो बहुत खुश हूँ, ये विश करती हूँ कि मतलब जाने से पहले आ जाए, क्योंकि डेट दिखा रहे मैं 28 को जा रही हूँ और दिखा रहे 29 को डिलीवरी, पता नहीं क्या होगा। तो अभी हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएंगे वहां जाके क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं। पर भी एक तो पूजा होता है, उसका पैंडल अभी स्टार्ट हो चुका है। तो ये लेफ्ट साइड में मेरा जो है ये दुर्गा पूजा का पैंडल है। ये जो शॉप है, ये ज्वेलरी का शॉप है,
तो यहाँ पे मैं आई हूँ, कुछ काम है यहाँ पे, तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि यहाँ से मैं क्या परचेज़ की। मेरे लिए नहीं है इतना मैं बता दूँ, तो यहाँ पे काम था इसलिए आई हूँ। और इस शॉप से मैं बहुत सारा मतलब ज्वेलरी खरीदी हूँ, बहुत बहुत। भुवनेश्वर में अगर मैं किसी से ज्वेलरी खरीदी हूँ तो वही शॉप है जिससे मैं सबसे ज़्यादा खरीदी हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं रिलायंस ट्रेंड्स में, तो यहाँ से मेरा बेटा का और मेरे हस्बैंड का शॉपिंग होगा। तो मेरा बेटा वो देखिए सामने चला गया है, कब मेरे सामने सामने जा रहा है, मैं पीछे हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे है, कहाँ है पता नहीं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। नीचे तो ये है लेडीज़, ये है सेक्शन है, तो ऊपर ये है किड्स है। ऊपर जाएंगे अभी हम लोग, पर पहले देख लेते हैं मेरे हस्बैंड कहाँ है। এর থেকে তো ভালো কালেকশন আমার কাছে আছে রে মুনু। মেরা বেটা হেলমেট পকড় কে ঘুম রা হ্যায়, উসকো মানে হেলমেট কা রেসপন্সিবিলিটি দি হ্যায়। मैं यहाँ का कलेक्शन देख रही थी, ठीक है, दूर से आप लोगों को कैमरा में लग रहा होगा कि बहुत ही बेटर कलेक्शन है, पर मैं हाथ में लेके मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मतलब कपड़े का क्वालिटी कैसा है। इससे मच मोर बेटर, मतलब 100% बेटर क्वालिटी मेरा अपना क्लोथ्स का है। तो इसका तो प्राइस, सबका प्राइस, किसी का 2000, किसी का 3000, तो मॉल में जैसा होता है। तो इससे बेटर मेरा अपना कलेक्शन है, बट प्रॉब्लम वही है कि मेरा मतलब कोई साइज़ का मेरा मेरे पास मेरा कलेक्शन नहीं है। तो मैं देख रही हूँ बट लूँगी एक भी नहीं, क्योंकि जब से कपड़े का काम करती हूँ ना, बाहर से कपड़ा ख़रीदने में बहुत चुभता है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस मुझे पता रहता है कि ये प्राइस है, और ये लोग ब्रांड का टैग लगा के मतलब 2000, 3000, 4000 में सेल करते हैं। तो बेटा का तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए बेटा का लेना ही होगा, मैं अपने लिए नहीं लूँगी यहाँ से। अगर लूँगी जीन्स टॉप कुछ लूँगी, जीन्स टॉप, क्योंकि मेरा सारा जीन्स टाइट हो गया है, टॉप भी सारा टाइट हो गया है, लेने से जीन्स और टॉप ही लूँगी और कुछ नहीं। येलो वाला दिया बाबू, तुझे जो पसंद है तो वो तू कौन नहीं बोलना, हमारे इससे क्या करना है, अभी तुझे जो पसंद है वो लेना है। साइज देख पहले, उठा तो लिए हो कुंटा 7 to 8 देख, नीचे टा देख 7 to 8 ভালো করে দেখ, ওটা নয় তারপরেরটা, তারপরে সাইজ ঠিক আছে, এটা এটাও ভালো। হাফ প্যান্ট তো ওইখানে রয়েছে, यहाँ पे नहीं है, एक लो ही तो छोटो छोटो। बेटू क्या किया, फोन गिरा दिया था। एदिक देख, एदिक देख, डिस्चार्ज हो रहा है, अभी बंद हो जाएगा। मेरा फोन, मेरा बेटा इतना यूज करता है, मतलब पूरा टाइम यूट्यूब देखता रहता है, तो मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया ना, रिलायंस ट्रेंड्स में ही ये हो गया, तो डिस्चार्ज हो गया, तो मैं फुल वीडियो भी नहीं बना पाई, मतलब क्या क्या की नहीं बना पाई, वहां पे क्या खाई क्या की कुछ भी नहीं बना पाई। अभी 10 क्रॉस कर चुका है, तो अभी मैं खा रही हूँ मुड़ी मिक्सचर, झाल मुड़ी और कॉफी लाई हूँ। अब अगर मेरे हस्बैंड बोलेंगे खाना बनाओ, अरे बाप रे, मैं तो मर जाऊंगी, बोलूंगे पानी वाला मैगी खा लो, तो मैं ये खा लूँ, मुड़ी मिक्सचर खा लूँ और कॉफी पी लूँ,
उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं क्या क्या किया है क्या नहीं सब बताते हैं आप लोगों को। 5 मिनट दीजिए मेरी बेटी को दे, ये देखो मेरी बेटी भी है अभी मुझसे, मेरी बेटी का सर ज़्यादा बड़ा है देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अभी आई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ये सर दर्द कर रहा है फिर से, वो यहाँ पे पूरा पेन हो रहा है और पता नहीं अभी 11 बजने को जा रहा है मेरे हस्बैंड, अगर बोलेंगे खाना बना के रख लिए मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, मैं तो खाने वाला मैं ही खा लूँगी और मेरे बेटे को बोलूँगी कि ठीक है। तो ये देखिए मेरी बेटी और ये है मेरा पोता, क्योंकि ये मेरा बेटा का बेटा है तो ये मेरा पोता है, ठीक है। तो आप लोग मिल लीजिए, और पीछे आउल जो है वो मैं हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है तो ऑब्वियसली मैं ये हूँ, ठीक है। तीनों आदमी हैं यहाँ पे, मेरा बेटी, मेरा नाम क्या है पोता, और ये खुद मैं हूँ, और मेरा जो मतलब क्या बोलूँ, मेरा जो अर्थक्वेक है यहाँ सामने है क्योंकि वो कुछ ऊपर पहना नहीं है तो इसीलिए नहीं आ रहा है कैमरा में। तो मैंने क्या क्या शॉपिंग किया वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, और ली थी एक्चुअली, ली थी पहले ली थी, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ऐसा एक गंदा सा कमेंट कर दिए तो मैं गुस्से में वो रख के आ गई, और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मैं अभी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे 3 घंटा लगेगा और मेरा मैच स्टार्ट हो रहा है तो मुझे घर जाना ही होगा, उनका मैच पहले है शॉपिंग से पहले, तो वो शॉपिंग नहीं किए बोला, मैंने बोला मैं और नहीं आ सकती संडे को आने के लिए, फिर बोल रहे तो वो खुद जाके अपना खरीदेंगे क्योंकि वो एकदम एक सिंगल सिंगल जीन्स वो भी पैंट पहन के देखेंगे, सिंगल सिंगल मतलब ये टी शर्ट वो भी पैंट पहन के देखेंगे, सब उनको पैंट पहन के देखना, तो वो खुद जाए भाई अपना शॉपिंग करने। तो मेरे हस्बैंड भी शॉपिंग नहीं किए, तो मैं ड्रेस देख रही थी, तो फ्रेंकली एक बात बताओ, वहाँ का जो ड्रेस है ना उससे कहीं ज़्यादा मतलब 100% बेटर क्वालिटी का ड्रेस मेरे पास है, क्वालिटी साइज़ का इशू है क्योंकि वेट की वजह से साइज़ का थोड़ा इशू हो जा रहा है तो इसीलिए मैं सारा ड्रेस पहन नहीं पा रही हूँ, पर मेरे पास वहाँ से मतलब 1000 गुन ज़्यादा अच्छा ये है क्वालिटी है। वहाँ का प्राइस तो 2500, 3000, 3999, एक जीन्स में ली थी उसका प्राइस था 2299, तो मतलब मैंने भी कुछ नहीं लिया वहाँ से। तो बेटा का ये शॉपिंग हुआ है, तो बेटा का शॉपिंग में ही जितना हो गया था 4000 क्रॉस कर गया था, तो ऑफर चल रहा था कुछ, उसके ऊपर 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ा और एक 4 स्टील का बोल सेट ये गिफ्ट में मिला है, तो बेटा का ही शॉपिंग हुआ है मेनली। और फिर मैं घर जाके जो 2-3 दिन मेरे हाथ में रहेगा फिर मैं वहाँ जाके भी फिर ये करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी पैसा दी है, मेरी सिस्टर पैसा भेजी है मेरे बेटे के लिए, तो वो बेटा का फिर से शॉपिंग करूँगी तो वहाँ जाके घर में जाके करूँगी। तो अभी मैंने तो कुछ लिया नहीं है, मैं देखती हूँ, मैं तो इतना साड़ी ले चुकी वैसे ही, और मुझे कुछ ड्रेस 2-3 एटलीस्ट मुझे ढूंढना होगा ये करने के लिए, मतलब पहनने के लिए देखना होगा क्या, मतलब ज़्यादा घूमना नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर का जो बेटी है बहुत छोटी है तो वो उसको छोड़ के कितना टाइम घूमने जाएगी, हम लोग तो पैंडल हॉपिंग के लिए जाते हैं पैदल हट मतलब चल चल के, और मिड रात को जाते हैं हम लोग 12-1 बजे के बाद, जब बैरिकट मतलब ये नो एंट्री जब हट जाता है तब हम लोग जाते हैं कार से, तो वो जाएंगे, पर जो होता है ना रोज़ जो हम लोग पहले घूमने जाते थे मतलब सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी के दिन नहीं जाते थे घूमने, वो पूरा मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि दशमी के दिन इस साल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे कैसे मतलब दशमी सेलिब्रेट होता है, मतलब पूरा नाच नाच के लड़कियाँ भी नाचती है, मैं नहीं, हम लोग नहीं, जो लोग इसमें जा तो वहाँ पे मतलब फुल टू मस्ती होता है, मतलब लड़का लड़की मतलब बहू लोग सब लोग डांस करते करते, और बॉक्स इतना बड़ा बड़ा बॉक्स ऊपर से मतलब ये क्या बोलते हैं पटाखा भी फटता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, और हम लोग भी फटाते हैं बहुत ज़्यादा, लास्ट 2 साल से बंद है, ये मेरे पापा का हॉबी है मतलब पटाखा ये करना, पटाखा मतलब वो बॉम बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा, तो मेरा पापा का एक्चुअली शौक है तो वो मेरे अंदर आ गया है, तो मतलब कुछ हो ना हो अभी से तो मैं मैसेज कर रही हूँ भाई के भाई ये अरेंज कर, क्योंकि वो क्या होता है ना एयर पोल्यूशन होता है तो पुलिस मतलब पकड़ के लेके चले जाते हैं,
तो छुप छुप के खरीदना पड़ता है। तो अभी से मैं 3-4 दिन पहले से उसको मैसेज कर रही हूँ कि अरेंज कर कहाँ से कहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वो छुप छुप के सेल करते हैं। ऐसे मतलब चाय वाला उसके पास मिलता है, ऐसे ऐसे पान वाला उसके पास मिलेगा, मतलब वो लोग अंदर ही अंदर सेल करते हैं। तो मैं ऑलरेडी उसको बोल चुकी हूँ कि ये कर, मतलब अरेंज कर। तो वो बोल रहे नहीं, इस साल नहीं फटाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला देख भाई, एक तो पापा का शौक था, वो मेरे अंदर आ चुका है वैसे ही, और मुझे ना एकदम ओ बहुत मस्ती होता है, बहुत अष्टमी के दिन बहुत। मैं जाऊंगी तो शूट तो करूंगी, और वैसे भी मेरा आईफोन हो गया, मतलब सो हैप्पी। मेरा ना मतलब जिंदगी कैसा है बताइए, एक कुछ है ना है, चलो मस्ती करके, मतलब मस्त है वैसे टाइप का है। तो मैं आज क्या क्या खरीदी हूँ वो, मतलब बेटा का ही है मेनली, और एक गिफ्ट सेट मिला है, और ज्वेलरी शॉप में गई थी वहाँ पे मतलब दो सामान मैं खरीदी हूँ, मैं खरीदी हूँ मेरी छोटी सिस्टर के लिए, तो वो भी मैं दिखा दूंगी नेक्स्ट, इसमें दिखाऊंगी व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आज और एनर्जी नहीं है, बहुत सर दर्द कर रहा है, और मैं सो जाऊंगी अभी, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड आकर बोलेंगे कुछ बनाओ, तो मैं बोलूँगी बहुत सर दर्द हो रहा है, फिर मैं सो जाऊँ क्योंकि सच में अच्छा नहीं लग रहा है। अब जाओ, ऑलरेडी कमर भी दुख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, गुड नाइट गाइस, कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो आज वैसे भी इतना चल चल के, मतलब रिलायंस फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फ्लोर ही फ्लोर, मतलब उठते रहो, ये करते रहो। तो और मेरे हस्बैंड लिफ्ट में नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं सीढ़ी चढ़ो और ये करो, कैलरी बर्न करो। कैलरी बर्न तो मेरा होता नहीं है, ऊपर से और कैलरी आ जाता है लोगों के पास से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे इतना कैलरी। तो मैं पूरा वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया था और स्विच ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया फ़ोन मेरा। और दूसरा मेरे पास और एक मतलब स्पेयर फ़ोन है, बट मुझे इसका मतलब वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लगता है, जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ वही मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैं जो आईफोन ऑर्डर की हूँ वो इस फ़ोन को एक्सचेंज करके की हूँ, जिसमें मैं ये कर रही हूँ शूट कर रही हूँ, जिसमें मैं शूट कर रही हूँ उसी को एक्सचेंज करके ली हूँ, मतलब ये फ़ोन मेरा चला जाएगा। तो और ये स्पेयर फ़ोन रहेगा, क्योंकि मेरा बेटा को मतलब फ़ोन एक चाहिए, तो मैं आईफोन तो उसको दूंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ोन गिराता है, उसके पापा का ये आ गया है उसके अंदर। तो इसीलिए मैं आईफोन यूज़ करूँगी, और मेरा बेटा जो कार्टून वगैरह देखेगा इस फ़ोन से देखेगा, ठीक है। ये फ़ोन भी बहुत अच्छा है, पर मतलब होता है ना एक प्रेफरेंस, तो मुझे ये वाला जिसमें मैं शूट कर रही हूँ इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर भी मैंने एक्सचेंज करा ली। इसी सबको लग रहा होगा कि इस पैसे में कैसे मतलब आईफोन हो गया, एक्सचेंज की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने फ़ोन एक्सचेंज किया है, एक फ़ोन देके फिर मैं ये ले रही हूँ। पर अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि पता है वो मतलब 28th को मैं जा रही हूँ, और डिलीवरी दिखा रहा है 29th को, तो पता नहीं अब क्या होगा, भगवान करे 28th को आ जाए। ऊपर एक बात बताती हूँ, दोपहर को क्या हुआ ना, सुबह तक तो आईफोन अवेलेबल था, तो दोपहर को सडनली दिखा रहा है कि मेरा पिन में मतलब ओडिशा के पिन में डिलीवर नहीं होगा, नंबर 1 और नंबर 2 आउट ऑफ स्टॉक। तो मैं एक घंटा रोई आईफोन लेने के लिए, एक घंटा रोई, फिर मोबाइल पकड़ के बैठी रही कब अवेलेबल होगा, क्योंकि ऐसा होता है आईफोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो लोग करते हैं मतलब खरीद के उसके बाद ये कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं, तो होता है एक दो सेकंड के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो मुझे पता है कि एक दो सेकंड के लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि जिस फ़ोन में अभी मैं शूट कर रही हूँ ऐसे करके ही मैं खरीदी थी, रात से बैठी थी सुबह को 7:30 बजे तक। तो सुबह को मुझे मिला था ये फ़ोन, 7:10-7:15 में मिला था मुझे ये फ़ोन, तो मुझे आज का भी पता था। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इतना कॉस्टली फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे तो चाहिए, मतलब मैं एकदम माइंडसेट कर चुकी थी कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो मैं लेके बहुत एक घंटा सिर्फ रोती रही कि मुझे आईफोन लेना है, और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, अब क्या करूँगी, और मुझे रेड कलर ही चाहिए, मुझे ग्रीन ब्लू कुछ नहीं चाहिए, रेड कलर ही चाहिए। जबकि मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कुछ दिन पहले आईफोन ऑर्डर कर दी थी, पर मैं बीच रात में कर दी थी छुप छुप के, वो उठ के कैंसिल कर दी एकदम, महान ये आ गया मतलब आत्मा। तो अभी मैं आईफोन ये करूँगी तो मुझे ऐसे बोलेंगे ए आईफोन की मालकिन, ऐसे टाइप तो मेरा अभी चलेगा। तो मैं ऑलरेडी खुद को ये कर रही हूँ, मतलब हाँ मुझे ये सब सुनना होगा, तो मैं खुद ही खुद से प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये आईफोन की मालकिन कॉफ़ी दे दो, ये आईफोन की मालकिन लंच दे दो, ठीक है। मैं खुद ही खुद से, मुझे कुछ आता जाता नहीं है। तो मैं दोपहर को हाँ हाँ करके ऐसे रो रही,
आसपास वाले सोचेंगे क्या रे दोपहर को इतना रो रही है। फिर अवेलेबल हुआ और क्योंकि मेरे हस्बैंड के कार्ड से ये होगा तो पिन चाहिए। अब पिन चाहिए तो मेरे बेटा को बोल रही हूँ जल्दी से फोन कर और इमीडिएटली फोन ये पिन मांग। तो मेरे हस्बैंड मतलब नहीं देंगे पिन, ठीक है। तो फिर वो मैं बहुत चिल्ला रही थी, मैंने बोला कि अभी दो फिर पिन। फिर मेरा बेटा कॉल करके पिन लिया और फिर मेरा आईफोन फाइनली मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब पता नहीं कि मेरे हाथ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान करे कि 28th को मिल जाए इवनिंग तक। मैं तो मैं बहुत मतलब बहुत अच्छा मतलब आईफोन लेके घूमूंगी। ये मेरा फर्स्ट आईफोन है। मैं एक्चुअली चाहती तो आईफोन 14 प्रो मैक्स ले सकती थी, पर मैं तो एंड्रॉयड यूज़ करती हूँ तो मैं यूज़ टू हूँ एंड्रॉयड से, आईफोन से नहीं हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मतलब क्या है क्या फंक्शन है नहीं है तो मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा चलो आईफोन 13 से पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फोन जो होगा मैं अपना यूट्यूब से ये करूँगी। भगवान करे जल्दी से क्रॉस फिंगर जल्दी से मतलब यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो कर दीजिए। और अभी मैं चलती हूँ, बहुत बात कर चुकी हूँ और आप लोग अभी बोलेंगे बहुत मुंह बनाती हूँ, पर मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, गुड नाइट। अभी फिर मैं सो जाती हूँ अभी, ठीक है। अभी क्या खाएंगे नहीं खाएंगे मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है अभी मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब एकदम मज़े से रहिए ज़िंदगी में, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि ये मैंने क्यों नहीं किया। हर चीज़ करते जाइए, ज़िंदगी को एंजॉय करते जाइए ताकि कभी ये ना सोचना पड़े अरे यार ये कर लेते तो अच्छा रहता। मेरा ये है, मेरा जो भी है कर लो, एंजॉय कर लो। तो अभी मैं चलती हूँ, कितना बार बोली अभी मैं चलती हूँ बट नहीं गई। देखिए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 10K कर दीजिए। मेरा गिव अवे का गिफ्ट भी डिस्पैच हो गया है तो वो आ जाएगा, मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।